नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम राजस्थान में हमारे पैतृक गांव चित्तौड़ जिले में हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में इस समय राजस्थान चुनाव का ऐलान हो चुका है और अगले 8 दिनों बाद, आज 17 नवंबर है, 25 नवंबर को राजस्थान में 200 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने हैं। इस समय कांग्रेस की सरकार है और अब कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला यहां पर है। लेकिन कहीं कहीं गणित ऐसी है कि जहां चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी, उनके अपने बागी ही उनका समीकरण बिगाड़ने के लिए तैयार है। तो इस समय राजनीति का मंच पूरा का पूरा जम चुका है। और खास करें तो हमारे इस जिले की बात करें, चित्तौड़गढ़ विधानसभा पर भी त्रिशंकु यहां भी मुकाबला दिखाई दे रहा है, जिसमें कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जाड़ावत वो प्रत्याशी है, तो वहीं बीजेपी से अधिकृत तौर पर नरपत सिंह राजवी, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, वह प्रत्याशी है। जबकि वर्तमान विधायक सिटिंग एमएलए, जिन्होंने 2019 में कांग्रेस की सरकार आने के बावजूद अपनी सीट निकाली थी, वह चंद्रभान सिंह आक्या, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो चंद्रभान सिंह आक्या खुद इंडिपेंडेंट निर्दलीय खड़े हुए। तो चित्तौड़गढ़ विधानसभा में काफी दिलचस्प ये मुकाबला हो गया है। बाकी और भी कई कैंडिडेट है, लेकिन इन तीन कैंडिडेट के बीच आपस में यह मुकाबला है। और राजनीतिक गणित ऐसा बता रहे कि शायद बीजेपी के बागी नेता कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यहां कांग्रेस को फायदा सीधा दिखाई दे सकता है। खैर, हम यहां आए हैं आपसे चुनाव को लेकर चर्चा करते रहेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज के अखबार में छपी खबरों की, आज के अखबार में छपे विज्ञापन की। आप देख सकते हैं राजस्थान का ये लीडिंग पेपर है, राजस्थान पत्रिका मेरे हाथ में है, एक है राजस्थान दैनिक भास्कर और दूसरे अखबार है यहाँ के लीडिंग, जिसमें प्रातःकाल है और भी है, ये दैनिक अखबार है। और करोड़ों पाठक देश भर में इन बड़े बड़े अखबारों के है। दैनिक भास्कर जिसके 12 पेज है और राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, दूसरे कई राज्यों में एक साथ निकलता है। वही राजस्थान पत्रिका भी 16 पेज वाली राजस्थान पत्रिका पेपर है और यह भी राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में निकलता है। यहां ये फ्रंट पेज पर भाजपा का बड़ा सा एक एड विज्ञापन आप देख सकते हैं। ये दरअसल भाजपा का इस चुनाव का संकल्प पत्र है। कल ही जयपुर में भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और इस चुनाव में क्या क्या राजस्थान की जनता को भाजपा देने वाली है, बीजेपी देने वाली है, उसका वादा उन्होंने किया। तो यहां इस वादे में इनका वादा है गरीब परिवारों को मुफ्त राशन, जो केंद्र सरकार की स्कीम है 5 साल तक के लिए आगे गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने का पहला ही केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है, उसी योजना का जिक्र है। प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा, ये इन्होंने अगले अपने इस मैनिफेस्टो में कहा है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहे। हालांकि प्रधानमंत्री ने 2022 तक पूरे देश में हर एक गरीब को मकान दिए जाने का वादा अपने लोकसभा चुनाव में किया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस बार फिर बीजेपी ने यह वादा किया है। पीएम किसान सम्मान योजना सम्मान निधि है, जो जिसको 6,000 से बढ़ाकर 12,000 प्रतिवर्ष करने का की घोषणा की गई है। गेहूं, ज्वार और बाजरा की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल और एमएसपी पर ज्वार एवं बाजरा की खरीद की व्यवस्था करने का वादा किया गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड, यूपी की सरकार ने जिस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई है महिला थानों में, उसी प्रकार से यहां भी एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किए जाने का यहां ऐलान किया गया। साथ ही साथ बालिकाओं के जन्म पर सेविंग बोर्ड, जब किसी
पुत्री का जन्म होता है तो उसके ऊपर सरकार कई योजनाएं देती है। यहाँ पर बालिका के जन्म पर सेविंग बॉन्ड दिए जाने की ऐलान किया, उसमें कुल 2 लाख तक की वित्तीय सहायता बच्ची पैदा होगी उससे 21 साल की उम्र तक पहुंचेगी तब तक अलग अलग चरणों में उसको 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान किया जाने का वादा है। सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। वहीं साथ ही साथ अगला जो वादा है वो लड़कियों के लिए है, केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात कही गई है। 12वीं पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटी और छात्रों को लैपटॉप। 12वीं में अच्छे अंकों से पास होने वाले छात्राओं को स्कूटी और छात्रों को लैपटॉप दिए जाने का वादा किया है। 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का वादा किया गया है। इसके आगे गरीब महिलाओं को 450 में LPG सिलेंडर। आप सभी जानते हैं कि इस समय राजस्थान सरकार, हालांकि देश में इस समय LPG सिलेंडर की रेट 950 के आसपास है, वहीं राजस्थान सरकार पिछले कई महीनों से अपने यहां 500 रुपए में LPG सिलेंडर दे रही है। अब बीजेपी ने यहां वादा किया है कि गरीब परिवार, उन्होंने यहां मेंशन किया है गरीब परिवार, गरीब की इसमें क्राइटेरिया क्या होगा वो कोई इसमें लिखा हुआ नहीं है, गरीब को यह 450 रुपए में देंगे, यानी कि कांग्रेस से 50 रुपए कम का वादा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जहां 500 में हर परिवार को दे रही है, इन्होंने वादा किया गरीब परिवार को। गरीब परिवार कौन होगा ये नहीं मालूम। इसके आगे का इनका वादा है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित करेंगे। ये दो टेक्नोलॉजी प्रत्येक संभाग में IIT की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना करने का घोषणा की गई है। उसके आगे गरीब परिवारों के छात्रों को स्कूल बैग, किताबें एवं यूनिफॉर्म के लिए 1200 की वार्षिक सहायता, इसका जिक्र है। उसके आगे 2.5 लाख सरकारी नौकरियां, अगले 5 साल में युवाओं को 2.5 लाख सरकारी नौकरी प्रदान करने का वादा बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। उसका अगला वादा बीजेपी का है 24 घंटे बिजली पानी और दिव्यांगजनों में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान। 2025 तक हर घर में 24 घंटे बिजली और पानी की व्यवस्था हो पाए, ऐसा वादा बीजेपी द्वारा यहां किया जा रहा है। वहीं दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक को पेंशन जो अभी मिल रही है उसमें 1500 रुपए उसको बढ़ाकर, अभी 1000 जैसा कुछ पेंशन है उसको बढ़ाकर 1500 तक किए जाने का वादा किया जा रहा है। उसका आगे मैनिफेस्टो में आगे है 15,000 डॉक्टर एवं 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नई नियुक्ति की जाएगी। उसके आगे पेपर लीक मामलों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही, जो परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं उसके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर रही है। बिहार में जो एग्जाम हुए और उसमें पेपर लीक हुए तो उसके दोषियों पर कार्यवाही का वादा किया गया है। इसके आगे कांग्रेस राज में किसानों की नीलाम जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए बहुत जल्दी थी। इसके आगे कांग्रेस राज में जो किसान की जमीन नीलाम हुई है उनको उचित मुआवजा दिए जाने का वादा किया जा रहा है। इसका अगला वादा है अगले 5 वर्षों में राजस्थान की इकोनॉमी को $350 बिलियन तक ले जाने का वादा बीजेपी कर रही है। अपने आगे के वादे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ाएंगे, ऐसा वादा किया है जिसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 13,000 रुपए, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 7,500, आंगनवाड़ी सहायिकाओं का 6,500 और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 6,000 करेंगे, ये इनका वादा है। और इसमें आखिरी वादा है 5 लाख युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार, 2,000 करोड़ रुपए के निवेश का साथ पर्यटन कौशल कोष बनाकर प्रदेश के 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे, रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। यहां बीजेपी युवाओं के लिए यह वादा कर रही है। हालांकि एक वादा उन्होंने किया 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का, और ये दूसरा वादा है कि 5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। फिर ये मैनिफेस्टो छापने के बाद में, ये मैनिफेस्टो एक्चुअली संकल्प पत्र बीजेपी का है जो कल प्रकाशित हुआ, तो वो एक एड के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से बीजेपी ने इन अखबारों में दिया है। और नीचे अपना उन्होंने स्लोगन दिया है, कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए, जन जन की पुकार आ रही है भाजपा सरकार। तो ये फिलहाल भाजपा ने इतने अपने वादे अपने संकल्प पत्र में किए। अब दिलचस्प यह बात रहेगी कि क्या जनता भाजपा के इन वादों पर भाजपा को वोट करती है। वैसे इस समय कांग्रेस की सरकार है और
राजस्थान का ये ट्रेंड रहा है कि जब जब जहां जिसकी सरकार होती है राजस्थान में, उसके अगले चुनाव में एंटी इनकम बेसिक है या सत्ता पलट गए, हमेशा सत्ता पलट होते रहा है पिछले 25 सालों में, लेकिन इस साल यहां कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है और कुछ संभावना ऐसी भी बताई जा रही है कि शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से एक बार सरकार भी बना ले, क्योंकि जहां पहले राजस्थान में कांग्रेस में फूट थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दो खेमे अलग दिखाई दे रहे थे, वो इस समय एक साथ है, वहीं बीजेपी में इस समय फूट काफी दिखाई दे रही है। बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उनका एक खेमा अलग है और साथ ही साथ वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उनका एक खेमा अलग है। हालांकि चुनाव में अभी दोनों साथ में हैं और दोनों ही गुट के लोगों को टिकट बांटे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर असंतोष दिखाई दे रहा है। तो आने वाले 8 दिन काफी दिलचस्प रहेंगे। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे, आपको चुनाव की अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सेफ यूथ लाइव। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। इधर है गूगल पे बार कोड को स्कैन कर गूगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। अपने चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।